मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो आज कई दिनों बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ और इतनी खुशी खुशी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न जिस चीज़ का मैं काफ़ी महीनों से वेट कर रही थी, एक्चुअली मेरा एक अवार्ड फंक्शन है और उसकी डेट आ गई है, परसों है उसकी डेट। तो जस्ट अभी कॉल आया था तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अब हम चल रहे हैं हमें अवार्ड शो में क्या पहनना है उसके लिए शॉपिंग करने। देखते हैं क्या कुछ लेते हैं, जो भी लेंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ तो हैं लेकिन दीप की तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि दीप की तबीयत कैसी रहेगी। अगर उनको बेटर फील होगा तभी हम चलेंगे, लेकिन हाँ यार हम इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया। मुझे ना कई बार अवार्ड फंक्शन के लिए मैसेज आया, बट कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे हो। जब पहली बार आया था मुझे तो प्रत्यूष बहुत छोटा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। और जब से मैं प्रेग्नेंट थी मुझे 3 जगहों से आया था, नायका से, इसके बाद मामा अर्थ से, और मतलब सब दूर दूर से थे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम मैं बाई एयर कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये तो मेरे लखनऊ में ही है, सो इसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर मैं जा सकती हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या कुछ भी लूँगी, जो लूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मॉल चल रहे हैं तो व्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे, तो चलो चलते हैं, फटाक से रेडी हो जाते, फिर मिलते हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसको मैं लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना इन दिनों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मुझे लाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सेकंड मैंने इसे पसंद किया हुआ है, भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैंने ब्लेजर सेट लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मे बी मैं यही पहन के जाऊँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या मिला है? क्या कह रही थी? कह रहे जब बच्ची छोटी थी तो ऐसे कलर नहीं देखे थे, अच्छा लग रहा है ना। अब तो आएगा भी नहीं। हम नेहा तिवारी से कट्टी हैं। क्यों? क्योंकि नेहा तिवारी हमारे साथ वीडियो नहीं बनाती है। कैसे बनाऊं? जैसे बनाना चाहिए। मैं ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। वही तो कह रहे हैं कोई रिकॉर्डिंग से मान ले, क्योंकि ये हमारे घर वाले कोई बनाता नहीं है। यार उसको ठंडी लग जाएगी। हमारे घर वाले बनाते नहीं है, सबके पास टाइम नहीं है। क्या करते हैं पूरा दिन? पर्सन है, बता दो क्या करते हैं पूरा दिन। फोन चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं नहीं बोलना चाहती थी। बिगड़ गया ये, इस फेंक दे नीचे फूट जाए। हमारा फोन बिगड़ गया। बिगड़ गया तो बनेगा कैसे? सो गाइस, आज जबरदस्ती मेरे पति देव मुझे लेके आए हैं पलाशियो मॉल, जबरदस्ती लेके आए हैं। पूछ लो, सबसे पूछ लो, जनता गवाह है। झूठ बोला नहीं। कहो सच सच बताओ। एक बार कहीं चला, कहीं चला? ओ चाचा और चाचा गिट्टी दोनों जने इतना मनाए ना हमका, तब जाए हम माने हैं, तब जाएगी हम। देखा था गाइस, बहुत तेल लगवा हुआ थी, ठंडी आएगी। बस चाय के बाद वीडियो लाए बना, इसीलिए बोल रही थी कि मत लेके चलो मुझे। ये लो पकड़ो, पहले मुझे फोटो खिंचाना है। 30,000! ओ माय गॉड, 30,000! चले अब आत्मा तृप्त होइए। तीसरी बार पहनी हूँ, इसके इसका जो है शुभ मुहूर्त नेहा तिवारी ने किया हुआ था। उन्होंने पहली बार पहना हुआ था और 3 बार मैंने पहना हुआ है। नेहा कब पहनी थी बताओ? घर जाते टाइम। हाँ सर। तो चलो भाई मैं जो है काम करती हूँ, फोटो खिंचा लेती हूँ, फिर चलती। नेक्स्ट मॉर्निंग सबका मन था मसाला डोसा खाने का, तो हमें इंग्रेडिएंट क्या चाहिए था आप देख लीजिए। बीन्स है, लौकी है, गाजर है, ड्रमस्टिक है और गोभी है, मतलब बैगन, इसके बाद थोड़ा सा भिंडी, जो भी वेजिटेबल्स आप चाहें ले लें। इसके बाद तूर दाल है, इसमें सारी वेजिटेबल्स अच्छे से धुल के वास करके कट करके डाल दें, वास धुलते ही है। टमाटर डाल देना है और पानी डाल देना है क्योंकि सांभर जो है काफ़ी पतला बनती है, तो इसके लिए आप अपने हिसाब से आपको किस तरीके का सांभर खाना पसंद है वैसे आप डाल सकते हो। उसके बाद नमक डाल के अच्छे से इसको बंद करके रख दें, 2-3 सीटी आने तक इसे पकाना है। और हाँ थोड़ी सी हल्दी डाल दें,
तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारी ननद का लड़का आया हुआ है, जेठानी का लड़का आया हुआ, तो उन लोगों का मन था खाने का, तो इसलिए हमारे यहाँ सांभर बनी थी। अदरवाइज़ हम लोग इस टाइम सिर्फ नॉर्मल खाना खाते हैं। दीप के लिए भी नॉर्मल ही बना था, सिर्फ थोड़ा सा ही लिए थे। अब एक कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम बनाएंगे हमारा जो सांभर है। सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं, इसमें थोड़ा सा राई डालना है। कुकिंग कर रही हैं आरती, थोड़ा सा मतलब जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा कटा प्याज, आप अपने हिसाब से सब डाल सकते हो जो भी आपको खाना हो। करी पत्ता भी ऐड कर दें, थोड़ी सी हरी मिर्ची काट करके डाल दें। तो ये सब पहले पड़ता है, आरती भूल गई थी तो बाद में उन्होंने डाल दिया। सो इसको अच्छे से पका लेना है जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बैकग्राउंड में आपको मेरी प्यारी बिटिया रानी की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वो बैठी है हमारे साथ में, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो आप लोग इन्जॉय करना। क्यों बिट्टी क्यों? तो यहाँ पर हमने क्या कुछ ऐड किया आपने देख ही लिया। और अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो दाल है वो पक्के रेडी हो गया है, हमने ज़्यादा कुक नहीं किया है। अब इसको अच्छे से चला लेना है, सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो बस ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हमारी दाल डाल देंगे। क्यों बिकती? अच्छा, इसमें स्पाइसेस भी ऐड होंगे। तो सांभर मसाला हमारे घर पे बना हुआ है, हाँ, आप लोग अगर बोलेंगे तो उसकी भी रेसिपी हम लोग के साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद दाल डाल देनी है। हाँ, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? नहीं किया तो क्या करो, फटाक से करो। अब डोसे के लिए जो अब चलो उसकी तैयारी करते हैं। मसाला डोसा बन रहा है तो उसकी थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, रख देना है कढ़ाई गर्म हो जाए तो सरसों का तेल डालना है। इसके बाद थोड़ा सा राई, जीरा और थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ग्रीन चिली और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, इन सबको डाल के अच्छे से सॉटे करना है। हाँ, इसमें भी करी पत्ता जाएगा क्योंकि करी पत्ते का ही जो मतलब जो खुशबू आती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब पसंद है करी पत्ता। तो बस गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए सांभर बन के रेडी है। और अब हम मसाला डोसा वाला जो यहाँ पर प्याज में और स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाइक हल्दी, जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं कर दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छे से चलाते रहना, फिर मैश की हुई उबली आलू डाल देनी है आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी जो आरती हैं उनको कुकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। और इसके बाद खूब सारा धनिया पत्ती डालना है। और यहाँ पर देखो पक गया हमारा सांभर भी, इसमें भी धनिया पत्ती ऐड कर दें, हम इंडियन है भाई, बिना धनिया पत्ती चलता ही नहीं है। और अब मसाला डोसा का भी जो हमने धनिया पत्ती ऐड किया था इसको अच्छे से मिक्स कर देना। अब बताते हैं डोसा, उसका बैटर ऑलरेडी बना के रख लिया गया था, शायद क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्या, पता नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, घर पे बनाया गया है बैटर डोसा का। तो अब तवा लेना है, इसको रख देना है गर्म होने के लिए। जैसे गर्म हो जाए थोड़ा सा पानी का छींटा डालना है इसका टेम्परेचर जो है वो मतलब सही करने के लिए। इसके बाद बैटर जो है डाल देना है। देखो आरती बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, बहुत ही अच्छे से बनाती हैं सारा सब कुछ। तो हम लोगों के साथ रह रहे के हमने ना आरती को इतना सब कुछ यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब को देख लो ना, देख देख के अब वो परफेक्ट कुक हो गई हैं। तो बस कुछ इस तरीके से मसाला डोसा का जो बैटर हमने सॉरी वो जो मसाले ऐड बनाए थे उसको लगा देना है। इसके बाद अच्छे से पका लेना है, हम आपको दिखा रहे हैं किस इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर म्यूजिक लगा रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, तो यहाँ पर चलो आपको अपनी आरती से मिलाते हैं। देखो कैसे सरमारी और नेहा की शिकायत कर रही हैं। एक नहीं, एक बार चार बार बताते हैं। देखो आरती को कितना परेशान करती है। मैंने बोला था आलू बाल दो, इतने थोड़ी सी बाल की मेरी कौन सी। बताओ भाभी, रोज आलू बाल जाते दिन काम होते हैं। हमें भी आने दो, हम कैमरे में नहीं है। हाँ आ गई। क्या पहन ले? नंदन लेके आया, जब तक नंदन है मुझे किस बात का गम है, कोई गम नहीं है। हम बना रहे थे, ये बोले चाय कर दो, लेके जाते चाय शाम की। नंदन मेरी बहुत केयर करता है, नेहा तो कुछ नहीं करती है, सिर्फ हमारा सिर दर्द, मतलब मैं सिर दर्द देती है। नंदन, मेरा सिर किसकी वजह से दर्द होता है?
नेहा की वजह से। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बेटी बड़ी स्वीट है, हम लोग ऐसे बस खिंचाई करते हैं, मजाक करते हैं, सीरियस मत ले लेना, कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं। अभी भी नहीं हुआ है, कितना टाइम लगेगा बे इसमें। थोड़ा वो गैस बढ़ा दीजिए फिर हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? नहीं स्लो है, अभी मैंने बढ़ाई है। हाँ। ज्यादा बढ़ाएंगे तो जल जाएगी, फिर किनारे किनारे से पकेगी भी नहीं, बीच में क्रंची हो जाएगी। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी, सोचो हम लोग इतनी मस्ती किए थे, 12 मिनट का वीडियो, 16 मिनट का वीडियो था, शॉर्ट्स था, उसे एडिट करके मुझे 1 मिनट का करना था। सोचो 16 मिनट की मस्ती 1 मिनट में कहाँ दिखेगी। सिर मेरा दर्द देने लगा, सुबह से चाय नहीं पी थी। अब हो गया, देखिए उठाइए एक बार, अभी तो हो गया है। हाँ अभी हो गया, दे दीजिए नंदन को भी, दो नंदन मस्त रहेंगे भी, आराम से चल जाएंगे। नहीं यार इतने भी नाजुक नहीं है। लो नंदन ले जाओ, तो जिसको देना इनका ही है। अच्छा नंदन का भाई, मुझे वो कपड़ा उस साइड में रख सकते हो, नॉर्मल करते हैं टेम्परेचर। हाँ एक डोसा तावा इन लोगों ने खराब कर दिया, दूसरा रात में ऑर्डर किए हैं तब आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सब लोग खा रहे हैं और थोड़ा सा दीप भी लिए हैं और बोल रहे बहुत अच्छा बना है। सो फ्रेंड्स हम आए हैं कहाँ दीप? हॉस्पिटल आए हैं दीप को दिखाने, और अभी डॉक्टर आए नहीं हुए हैं, 10 मिनट बाद आएंगे ना। दीप अपना नंबर लगा के आ गए हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर आ जाए तो दिखवा लें, क्योंकि इनकी तबीयत क्या ही बताएं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग इतना हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, हंस रहे हैं लेकिन इस हंसी और उस हंसी में कितना अंतर है। हम लोग इतना घूमने जाते थे, बच्चे का बताओ, विंटर वेकेशन भी खत्म हो गया लास्ट, और बाबू कहते कहते थक गया, पापा कहीं चलते हैं कहीं चलते हैं। सच होता है जब प्रत्युष शर्मा बोल रहा था ना, मुझे बहुत अंदर से ना बहुत हर्ट हो रहा था कि जब बच्चा छोटा था तब हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, और इसने बोला बट हम नहीं जा पाए, बट जल्दी से दीप ठीक हो जाए फिर कहीं निकलेंगे लंबे टूर के लिए, क्यों तब जाएंगे हम लोग। एक दिन कम से कम 8 घंटे तो बस आप लोगों से भी बस यही है कि आप लोग भी बाबू चल क्या हुआ क्या हो गया लो, 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 पापा रुला रहे हैं नहीं, हाँ आप लोग भी बस यही प्रे कीजिए कि दीप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पता है मैंने सुना है कि ब्लेसिंग्स में जो है बहुत पावर होती है, तो इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, अगर आप लोग प्रे करोगे तो सब कुछ मुझे पता है बहुत अच्छे से बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रत्युष ना परेशान कर मुझे दे दो। तो एक काम करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आप सब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय। आप लोगों की एक एक ब्लेसिंग मैं तो इन कमेंट्स आप लोग दुआ कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा।